नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस के टीच में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉयल के नियम पर आपको बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी ये केमिस्ट्री का 5 चैप्टर है। द्रव की अवस्थाएं, आप यहाँ पदार्थ की अवस्थाएं भी बोल सकते हैं। पहले ये कितने 5 नंबर का आता था, लेकिन अब क्या इसमें एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का और दो ओटी आती हैं एक एक नंबर की। तो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या ऐसे ही आएंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम और एवोगाडो का नियम। तो ये आपको ये नियम बहुत ही करना है, ये बहुत बिल्कुल आने की संभावना है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो ये आप जरूर कर लें, क्योंकि पहले 5 नंबर का आता था, वांडरवाल समीकरण वादा के साथ आते थे, लेकिन अब ये 3 नंबर में आएगा तो ये ऐसे ही नियम ज़्यादा पूछेंगे। तो आप कर लेना और मैं आपको बताते जाऊँगा धीरे धीरे, जैसे आप करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं बॉयल का नियम। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को जहाँ पर कठिनाई होती होगी वो कहाँ पर होती होगी, किस में क्या स्तर है, क्या दाब। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत से 5 चैप्टर में क्या है, एक बॉयल का नियम है, ठीक है दोस्तों, एक क्या है चार्ल्स का नियम है, एक कौन सा है, एवोगाड्रो का है और एक है गैलुसाक का नियम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं की सहायता से आप आदर्श गैस और वो वांडरवाल समीकरण याद कर सकते हैं। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, इनमें सिर्फ 3 चीज़ कॉमन है, एक आपका पी यानी दाब रहेगा, ठीक है, एक दाब रहेगा, एक आयतन रहेगा और एक क्या ताप रहेगा। तो बस आपको इन्हीं तीनों पर हर समीकरण डिस्कशन करना होगा, बॉयल के नियम, चार्ल्स नियम, एवोगाड्रो और गैलुसाक की किस में क्या स्थिर है। तो आज हम बॉयल के नियम पर बात कर रहे हैं, तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या स्थिर होगा। तो आपको कैसे याद करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों क्या ये बॉयल लिख रहा है, जैसे कि आपके पास इंडक्शन चूल्हा होगा घर में जलाने का, तो वहाँ पर बॉयल लिखा रहता है, बॉयल यानी कि उसका यूज हम किस लिए करते हैं, ताप बढ़ाने के लिए करते हैं, क्या बॉयल यानी ताप। तो इसने क्या, बॉयल ने क्या किया, ओनली ताप को स्थिर रखा और इसके मध्य एक नियम दिया जिसे बॉयल का नियम कहते हैं। तो आपको याद कैसे करना है कि बॉयल ने क्या स्थिर ताप पर गैसों का अध्ययन किया और दाब और आयतन के बीच एक नियम दिया। तो ये हम चलिए देख लेते हैं कैसे दिया। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि बॉयल के नियम में क्या स्थिर है। फिर हम अगली वीडियो में चार्ल्स एवोगाड्रो गैलुसाक और भी हैं कुछ, डॉल्टन का आंशिक दाब, आदर गैस समीकरण, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बॉयल के नियम पे बात करते हैं। तो बॉयल ने क्या, बॉयल यानी क्या होता है, ताप, ठीक है। तो बॉयल ने क्या ताप को ही स्थिर रख दिया है। तो अब ये दोनों चीज़ बच रही हैं उसके बीच हम संबंध करते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो आपको ये तो पता चल गया कि बॉयल के नियम में स्थिरांक क्या होगा, ताप होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो क्या बॉयल के नियम के अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर, मैं लिख देता हूँ स्थिर ताप पर, पहले आपको क्या लिखना है, बॉयल ने स्थिर ताप पर गैसों का अध्ययन किया और दाब और आयतन के बीच एक नियम दिया। क्या स्थिर ताप पर गैसों का अध्ययन किया और क्या दाब और आयतन के बीच एक नियम दिया जिसे बॉयल का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमने आपको ये भाषा दे दी है जो कि बॉयल के नियम के अनुसार होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा, वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, दाब के। तो ये क्या स्थिर ताप पर इसने अध्ययन किया था, बॉयल ने स्थिर ताप पर, ठीक है। तो स्थिर ताप पर इसने क्या किया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, ये वॉल्यूम आयतन लिख दिया, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कैसे होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे ये होगा। तो क्या है वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पर क्या है, जब हम किसी का आयतन बढ़ाएंगे तो क्या दाब कम हो जाएगा, और अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती हो यार, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, यही इसने कहा था बॉयल के नियम के अनुसार।
चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अब देख सकते हैं हम बी इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा के वन अपॉन पी, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम बराबर के अपॉन पी, तो ये हो जाएगा बी पी बराबर के, यानी क्या आयतन और दाब का गुणनफल एक क्या स्थिरांक होता है, क्या होता है एक स्थिरांक होता है, यानी इसका और इसका गुणनफल एक स्थिरांक होता है। यहाँ पर क्या है के एक, यहाँ के एक स्थिरांक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या ये होगा या कि एक स्थिरांक है, दोनों का गुणनफल एक स्थिरांक आता है, तो यही ये कह रहा है कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। पर ये इसको ये हटाएंगे समान व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह, तो क्या एक के स्थिरांक आ जाएगा, तो वी बराबर के अपॉन पी, तो ये बटे में है तो इधर इंटू में पहुँच जाएगा, वी इंटू पी बराबर के, यहाँ के एक स्थिरांक है। तो इसे ये तो मान लीजिए एक गैस, हम एक गैस के लिए माना, मान ला कि एक गैस है, लेकिन अगर दूसरी गैस आएगी तो ये कैसे लिख सकते हैं, पी वन भी वन बराबर पी टू भी टू बराबर के, ये तो एक गैस के लिए निकाला था। इसी प्रकार अगर दूसरी गैस के लिए निकालेंगे तो भी उसका स्थिरांक क्या के ही आएगा। इस प्रकार आप जितनी भी गैस अगर तीन निकालेंगे तो पी थ्री वी थ्री बराबर के हो जाएगा, जितनी भी गैस के लिए निकालें। तो आशा करता हूँ आपको ये बॉयल के नियम का भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगी इसमें क्या स्थिर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अगर आप 10th और 12th और जीमेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना हो, आपको 84004400 यह नंबर आपके व्हाट्सएप पर ऐड करना है, और आपको इसका आंसर मात्र 10 सेकंड में मिल जाएगा, वो भी आपको एक फ़ोटो के द्वारा। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप उसकी फ़ोटो खींचने के बाद, उसके अच्छी तरीके से फ़ोटो खींचने के बाद उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लेना जिसका आपको आंसर चाहिए, तो उसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप क्रॉप कर लें और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं इसका क्वेश्चन को क्रॉप करने के बाद इसे सेंड कर देता हूँ, तो कुछ ही मात्र 10 सेकंडों के बाद आपको इसका आंसर दिख जाएगा। आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे फाइंड कर सकते हैं इस आंसर को। तो ये आंसर हमारे आने वाले हैं मात्र 10 सेकंडों में, आप किसी तो देख सकते हो आप इसका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के आसानी से आंसर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।